इसे किसी और नाम से, जो आज एक दूसरी व्यवस्था भी चल रही है, उस नाम से ना पुकारा जाए। तो मेरे देश का नाम है भारत, और आज हम सभी भारतवासी इस संवैधानिक पर्व पर संविधान दिवस मनाते हुए उसका सम्मान करते हुए, क्योंकि हमें ये बताना पड़ता है कि हम किसका सम्मान करते हैं। आज हम अपने भारतीय संविधान दिवस का सम्मान करते हैं। ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये कोई इंडिविजुअल नहीं है, ये अपने आप में यूनिक है, बहुत खास है, बहुत खास है। इसका एक एक प्रोविजन बड़ा खास है। ये वो गुलदस्ता है जिसे अलग अलग खुशबू वाले फूलों से सजाया गया है। आज आप सभी लोग आए हैं, आप सभी की जिम्मेदारी, मेरे साथ आप सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इस गुलदस्ते की रक्षा, जिसमें बहुत सारे फूल हैं, जिसमें हम खाद देते हैं, पानी देते हैं, सींचते हैं, उसको आप संजोए रखें। आप सभी विभिन्न प्रांत से आए, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। इस कड़ी में हमारे कुछ विशिष्ट सम्माननीय व्यक्ति भी हैं, मैं मंच पर उन्हें बुलाना चाहूंगी। सबसे पहले मैं बुलाना चाहती हूँ प्रोफेसर गुरुनाम सिंह सर, प्लीज। एक बार जब तक वो मंच तक ना आए, मेरा साथियों से निवेदन है, जोरदार तालियों का स्वागत किया जाए। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि सर बुद्धिज्म की, अमेरिकन राइट की एक अथॉरिटी बच्चे का एग्जांपल दे दूं, आपको सिर्फ बता के आपका कर्तव्य क्या है, आपको ये करना है, आपको वो करना है, इस एज में आपको ये करना चाहिए, उस एज में आपको ये करना चाहिए, आपको हमारे ये करना चाहिए, इधर आओ तो ऐसे झुकना चाहिए, उधर आओ वैसे झुकना चाहिए। और एक दूसरी व्यवस्था है जो आपको कर्तव्यों के साथ अधिकार भी देती है, और उस व्यवस्था का नाम है भारतीय संविधान, जो आपको ये कहता है कि सिर्फ कर्तव्य नहीं, तुम्हारे अधिकार भी है। एक अधिकार बड़ा सुंदर अधिकार है बाबा साहब ने हमको दिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बड़ा सुंदर, सुनने में दो शब्द लगते हैं, मैं बोल रही हूं तो मैं अपनी आवाज की बदौलत नहीं देती, आवाज को मेरी पीढ़ियों दर पीढ़ियों चलती आई है, लेकिन मैं किन शब्दों का चयन कर रही हूं, ये शब्द मुझे दिए हैं भारतीय संविधान ने। आज मैं उस व्यवस्था पर क्वेश्चन मार्क लगाती हूँ जो व्यवस्था आपको सिर्फ कर्तव्यों की बात करती है, अधिकारों की बात नहीं करती। उठा लीजिए आप इनके कोई भी शास्त्र पुराण कुछ भी उठा लीजिए, कहीं एक में भी अधिकारों की बात नहीं की गई है। और एक भारतीय संविधान है जो आदमी की मानसिकता को, सोच का दायरा बढ़ा देता है, उसकी इंडिविजुअलिटी को डेवलपमेंट करने के लिए इतने आसमान देता है। और मैं आपको बताना चाहती हूं कि अधिकार कोई किसी को देता नहीं है, ये बाबा साहब ने उस समय समझ लिया था। तो अब जो लड़ाई आ गई है वो एक्सप्रेशन वर्सेस इंप्रेशन की लड़ाई आ गई है। हम बोल रहे हैं, हम सभी अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, लेकिन क्या हमारे विचार इस लेवल पर पहुंच गए कि वो अपना इंप्रेशन छोड़ जाएं? आपके विचार, मेरे विचार, इनके विचार, इनके विचार, हम सबको मिलकर एक विचार ने एक विचारधारा बनानी है। तो उनकी व्यवस्था पर हम क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं ना? उनकी व्यवस्था पर आप अपनी, मैं नहीं कहती कि आप मेरी बात मानिए, आप सोचिए कि ऐसी व्यवस्था आपको चाहिए जो आपको एक इंसान होने के अधिकार छीन लेती है, और दूसरी एक ऐसी व्यवस्था है जो आपको बिना किसी धर्म के, जाति के, भेदभाव के आपको आगे बढ़ने के अधिकार देती है, और जो व्यवस्था है भारतीय संविधान। तो मैं उनकी व्यवस्था पर क्वेश्चन मार्क लगा दूंगी। शब्दों का चयन बाबा साहब ने हमें सिखाया, बाबा साहब ने हमें सिखाया कि आपको कैसे अपनी लड़ाई लड़नी है। जो शिक्षित हो चुका है उसे, जो भाई पीछे रह गया है उसको साथ लेना है, और जो शिक्षित हो चुका है उसे आंदोलन करना है, आंदोलन करना है। ये जरूरी नहीं कि क्रांतियां तीर और तलवारों से ही लड़ी जाती हैं,
क्रांतियां विचारों से भी लड़ी जाती हैं। इसी कड़ी में मैं डॉक्टर रामा पंचाल को बुलाती हूँ। हमारे विशिष्ट व्यक्ति हैं। ये ऐसी महिला हैं जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है मऊ यूनिवर्सिटी से, और इन्होंने अपना पूरा जीवन दान लगा दिया है। मैडम मानिए, आप जब तक मंच पर नहीं आएंगे तालियां बजती रहनी चाहिए। मैं डॉक्टर रामा पंचाल के बारे में दो शब्द कहना चाहूंगी। ये उस जमाने में इन्होंने संघर्ष किया, हर चीज को इन्होंने जिंदा जिया और हर चीज के लिए इन्होंने कड़ा संघर्ष किया। ये उस जमाने की जुझारू महिला है जब हमारे जैसे लोग शिक्षा शब्द भी नहीं सोच पाते थे, जब हम लोग आ आ ई नहीं सीखे थे। ये अकेली महिला अपने दम पर लड़ते हुए, व्यवस्था से लड़ते हुए ब्रिटेन गई पढ़ने के लिए। रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि जो कृति है वो कुछ नहीं है, सिर्फ कबीर जी के शब्दों दोहों का इंग्लिश ट्रांसलेशन है। और ये ब्रिटेन में चीजें पब्लिश हुई हैं इनकी, उस टाइम में ये लड़ चुकी हैं। छत्तीसगढ़ में जब जनजातीय विद्रोह चल रहे थे, ये अकेली महिला थी जो जंगलों में गई। इन्होंने अपनी उस हर बेटी का दर्द महसूस किया जिसके साथ रेप हुआ, बलात्कार हुई, हिंसा का शिकार हुई। बहुत कुछ इन्होंने अपना पारिवारिक सारी चीजें छोड़ दी हैं। तो ऐसी महिला मऊ यूनिवर्सिटी ने इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। मैं चाहती हूँ कि एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें।